हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी, चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। तो आज बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स। इसके आज हिंदी के पेपर की बात करते हैं कि हिंदी का पेपर बेसिकली कैसा आया था 2017 और 2018 के अंदर, राइट। तो आज का वीडियो बेसिकली हिंदी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो 2017 और 2018 के हिंदी के पेपर का एनालिसिस होगा, बेसिकली हिंदी के पेपर का एनालिसिस, ठीक है, 2017 और 2018 के, राइट। 2017 2018 और इसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हिंदी के किससे कितने क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे और उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए फिलहाल। बाद का सिलेबस जो है आप अगर बाद में भी कवर करें तो चल जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी वाला जो सेक्शन है वो कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर चार सेक्शन है टोटल, ठीक है, चार सेक्शन है। पहला वाला जो है जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज का है, कंप्यूटर नॉलेज, राइट। 50 मार्क्स का है टोटल, तो इसमें से जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, इसमें से 25 क्वेश्चन इसके मिलेंगे देखने के लिए, राइट। यानी कि 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, राइट। और हर क्वेश्चन दो नंबर का रहता है, टोटल 400 मार्क्स का पेपर रहता है यहाँ पर। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या क्या है, हिंदी और इसमें देख लेते हैं आप जो टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं सामान्य हिंदी के अंदर। सबसे पहले सेक्शन आपका जो एग्जाम का स्टार्ट होगा इसी से होगा, हिंदी वाले सेक्शन से स्टार्ट होगा पेपर, ठीक है। तो भाषाएं पढ़नी है, हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान लाइक हिंदी वर्णमाला, तद्वो तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि, ठीक है। अपठित बोध, अपठित बोध भी आता है, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ज्यादा फोकस इसी पर करना है आपने चौथे वाले पार्ट पे, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली पढ़ने हैं पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, यानी कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हालांकि अब बात करते हैं कि अब पीछे क्या हुआ, 2017 और 2018 में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है, जिनमें से कि क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 और 2018 में, ठीक है। हालांकि 2018 का जो पेपर था, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा था कि उसमें वैरायटी नहीं थी क्वेश्चंस की, चार पांच ही टॉपिक्स थे और उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। 2017 में वैरायटी थी, लाइक डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं 2017 का और ये आप 2018 का, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं ना नीचे, ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला टॉपिक देखिए, लेखक कवि रचना पुरस्कार, इससे 2017 में भी 9 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 9 क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ना है आपने, ठीक है। लेखक कवि उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि इनसे काफी अच्छे मात्रा में क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी है इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध से 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जब 2017-18 आप समझ गए होंगे, 2017 में पेपर हुआ था फिर कैंसिल होकर 2018 में हुआ था, ठीक है। टेंडर दोनों बार अलग अलग कंपनीज को था। मुहावरे की बात करें, 2017 में एक भी नहीं पूछा गया, 2018 में 3 मुहावरे पूछे गए। एक वचन बहुवचन की बात करें, 2017 में 0 और 2018 में 2, ठीक है। तो आप वैरायटी देखें यहाँ पर कि इधर कुछ भी नहीं पूछा गया 2017 में, और 2018 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छे खासे हैं। अपठित गद्यांश से एक भी क्वेश्चन नहीं था, यानी अपठित बोध जिसको बोलते हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन 2018 में, एक 5 नंबर का पैरा दिया गया था हिंदी में, उसके आंसर्स देने थे आपने। भाषा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 2 क्वेश्चन, यानी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाषा, लेखक, कवि, रचना पुरस्कार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं दोनों बार। रस और भाव से 2017 में 2 क्वेश्चन थे, 2018 में कुछ भी नहीं था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 2018 में खाली 0 हो गई इन टॉपिक से, यानी कि खाली ऐसे 5-6 टॉपिक्स थे जिनसे कि क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है। अब 2017 में विलोम शब्द आया था 1, क्रिया विशेषण से 1 क्वेश्चन था, संधि से 2, पर्यायवाची से 1, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 1 क्वेश्चन, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन, समास से 2 क्वेश्चन और पुरुष का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन, यानी कि आप देख सकते हैं एक कंपेरिजन 2017-2018 का। तो सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी पकड़ने से पहले, ये सारे टॉपिक्स कवर
करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच जाते हैं टॉपिक्स वो करने हैं। तो ये टॉपिक्स काफी, तो ये वीडियो लाने का एक ही पर्पज था कि आपको एक जो है एक विश्लेषण मिले 2017-2018 का हिंदी के पेपर का, ठीक है, और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये बेसिकली बताने का तरीका था। यानी कि ये टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो सिलेबस से बच जाएं वो बाद में, पहले इन टॉपिक्स पर फोकस होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपने लेखक कवि रचना वाले जो टॉपिक है इस पर, ठीक है। सारे मोस्टली जितने भी कवि हैं उत्तर प्रदेश से हों या बाहर से हों, ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कवि की रचना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, नो डाउट। और ये बहुत अच्छी तरीके से करना है। दूसरा, भाषा से रिलेटेड, ठीक है, बिल्कुल भाषा से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। और पेपर में क्या आ जाए वो तो फिर एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से तैयारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। और इसके साथ ही अटैच कर दिया है मैंने क्वेश्चन पेपर 2017 का भी, 2018 का भी, ठीक है। तो आप कम देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और ये 2017 का है, ये ओल्ड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो गाइज ये था आज का वीडियो, बेसिकली हिंदी के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे पढ़ना है, और एक कंपैरिजन आप लोगों ने देखा 2017 और 2018 के क्वेश्चन पेपर का हिंदी का, ठीक है। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें, और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड बाय बाय गाइज, टेक केयर।